तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू नदर वीडियो। तो आज आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो आज की वीडियो में जो हम रिव्यू करने वाले हैं हमारे इंटेक्स का वाटर टब का, तो देख सकते हैं का जो हमारा टब है इस तरह का आता है, शावर वाला टब है। इसको जो है मैं अभी हवा भर के दिखाऊंगा। अगर साइज की बात करूँ तो 79 इंचेस बाय 77 इंचेस है लगभग। ये पौने सात फुट का टब है, ये पौने सात फुट का टब है। और ये इसकी अगर हाइट की बात करूँ तो ये पूरा जो 3 फीट ऊंचा है। तो चलिए पहले जो इसको अनबॉक्स कर लेते हैं जल्दी से, फिर इसको जो फुला के देखेंगे तो कैसे जो हमारा टब फूलता है। तो चलिए इसको हम ओपन कर लेते हैं। और जो है हमारा कुछ बॉक्स में से हमें काफ़ी हैवी है हमारा, ये देख सकते हैं ऐसा कुछ इसके अंदर जो नोजल निकला है। इसको हम बॉक्स को साइड में, तो इसको जो है टब को हम पूरा खोल लेते हैं। ये इसके साथ जो है मैनुअल निकला है कैसे हमको ये हवा भरनी है। और इसके साथ जो एक पंचर भी आता है, अगर बाई चांस आपका जो है टब पंचर हो जाए तो इसके जो है इसके साथ हम इसको ये स्पेशल पंचर होता है, इसके साथ जो है उसको पंचर लगा सकते हैं मैनुअल को रख कर साइड पे। तो चलिए जो है इसको हम फुला के देखते हैं। ये फूलेगा सिर्फ इससे, मुँह से या कोई छोटे मोटे पंप से नहीं फूलेगा, इसके लिए ये स्पेशल पंप आता है। तो चलिए इसको फुला के देखते हैं। तो शुरू करते हैं, बंद कर देंगे इसे, जो है इसको खोल लेते हैं। तो पहले देखते हैं क्या ये शावर वाला एरिया, आई थिंक शावर वाला एरिया ये है। तो पहले सबसे अंदर जो यहाँ पे हमें हवा का लेट दिया हुआ है, पहले जो है इसको यहाँ पे हवा भरे में दिया हुआ है। काफ़ी बड़ा साइज है टब का, देख सकते हैं जो लगभग जो अंदर का हिस्सा है ये लगभग मेरे ख्याल से 5 फुट का होगा। आराम से 2-3 दिन आराम से इसके अंदर का रह सकते हैं। तो इसके बाद जो पीछे का एरिया है इसके अंदर जो हम हवा भरते हैं, इसके लिए भी पीछे का जो है हमें लिख दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम जो है इसको कनेक्ट करेंगे, ये छोटे वाला लगा लेते हैं और जल्दी से जो इसके अंदर हम हवा भर लेते हैं। पूरा तैयार हो चुका है, आई थिंक जो ये बड़े वाला साइज है इसके अंदर काफ़ी जल्दी हवा भर चुकी है, बट जो ये पीछे वाला है इसके अंदर काफ़ी जो है टाइम लगा हवा भरने में। तो अभी जो है इस तरह से एक हमारा टब हो चुका है रेडी। तो ये वाला जो है साथ में एक निप्पल आता है, तो ये वाला जो है निप्पल यहाँ पे चढ़ेगा, देख सकते हैं जो आपकी पानी वाली पाइप है इसके अंदर जहाँ पे जो यहाँ पे भरी जाएगी। और जो आपका शावर जो है यहाँ से जो आपका शावर वाला पानी जो है यहाँ से आपका शावर बन के निकलेगा। और अगर नीचे भी जो है एक हमें होल दिया हुआ, अगर पानी को आपको पूरा खाली करना है तो ये वाला आप जो लेडीज़ को आसानी से आप खोल सकती हैं। तो अगर मैं ओवरऑल शेप की बात करूँ तो इसके अंदर थोड़ी और हवा भरेगी तो ये जो पीछे का एरिया है ये भी काफ़ी फूल जाएगा। साइज़ की बात करें तो साइज़ जो है काफ़ी बड़ा है साइज इसका पूल का। तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये टब खरीदना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ये वाले टब का, आप वहाँ से जाकर जो है ये वाला टब खरीद सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।